डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज जयपुर में विद्याधर नगर विधानसभा में दो उच्च जलाशयों का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 2 बजे वार्ड 12 में बैनार रोड पर, दोपहर 3 बजे वार्ड 5 में पार्षद कार्यालय पर शिलान्यास होगा। दोनों जलाशयों का निर्माण 2025 तक पूरा होगा। वार्ड 5 में करीब 20,000 आबादी को इससे फायदा होगा। वार्ड 12 में करीब 38,000 आबादी को फायदा होगा। दोनों जलाशयों का निर्माण 2025 तक पूरा होगा। बड़ी खबर, वार्ड 5 में करीब 20,000 की आबादी को इससे फायदा होगा। और इसी के साथ बात अगर वार्ड नंबर 12 की करें तो करीब 38,000 की आबादी को इससे फायदा होगा। निर्माण पूरा हो जाएगा 2025 तक। दादर नगर विधानसभा में दो उच्च जलाशयों का शिलान्यास होगा। दोनों जलाशयों का निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। वार्ड 5 में करीब 20,000 की आबादी को इससे फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा वार्ड नंबर 12 की बात करें तो करीब 38,000 की आबादी को फायदा होगा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी प्रमोद कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या कुछ पूरी जानकारी है आज इस कार्यक्रम के बारे में? हाँ मनीषा, आज विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक है दिया कुमारी जी, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री हैं, जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर दो बड़ी उच्च जलाशय निर्माण जो योजना है उसका शिलान्यास करने वाली है। और इसका जो द्वितीय फेज ये शुरू होगा पवनपुरी पश्चिम के अंदर है, जिसकी क्षमता 20 लाख लीटर की होगी। दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम होगा। बैनार रोड वार्ड नंबर 12 के लिए है। इसके अलावा 3 बजे फिर इसके अलावा और दूसरा कार्यक्रम है, हरमाड़ा और भंडारण के लिए उच्च जलाशय निर्माण किया जाएगा। इसमें जो क्षमता होगी वो 700 किलोलीटर की होगी और ये जगह होगी जेडी स्कीम रोड वार्ड नंबर 5 के लिए। ये दो बड़े जलाशय होंगे और काफी घनी आबादी क्षेत्रों को इसका लाभ मिल पाएगा और ये अपने आप में बहुत बड़ी महत्व है, ये विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए सौगात है ये। जी क्षेत्रवासियों के लिए तो निश्चित तौर पर ये सौगात की तरह ही काम करेगा और 2025 में निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। कौन कौन इस जो कार्यक्रम है आज शिलान्यास का, इसमें मौजूद रहने वाला है डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के अलावा? बिल्कुल, इसके स्थानीय जो क्षेत्रवासी हैं वो रहेंगे, कुछ जो एनजीओ हैं सदस्य वो इन दौरान रहेंगे और जो जलाशय पीएचडी के जो अधिकारी है वो रहेंगे और तमाम जो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो रहेंगे और ये एक सौगात से कम नहीं है। 2025 में ये निर्माण पूरा होगा। इसके लिए काफी वर्षों से डिमांड की जा रही थी, क्षेत्र में पानी की कमी थी मनीषा, जो कि दिया कुमारी अब इसको इनके जो वो हैं ये पूरा करेगी शिलान्यास करने के बाद, तो 2025 में इसका पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।